Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying your good health. So today I am back with informal invitation. इससे पहले जो मैंने क्लास 12 CBSE और RBSE पैटर्न के लिए करवाया था वो फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई था, और आज जो है इनफॉर्मल रिप्लाई देना है उसी इन्विटेशन का. वापस समझने की कोशिश करें कि क्या पहले किया था. पहले ये किया था, जो भी इनविटेशन हमारे पास में आ रहा है उसको वेदर वी आर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, चाहे हम उसको स्वीकार कर रहे हैं या हम उसको नकार रहे हैं या मना कर रहे हैं, उसका तरीका सीखा था फॉर्मल वे में. और फॉर्मल वे में जो सीखा था उसमें तकलीफ क्या थी कि हमें थर्ड पर्सन यूज़ करना पड़ता था, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी. फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, और एक पर्टिकुलर पैटर्न से उसको लिखना था. आई होप आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस की होगी, समझ में आ गया होगा. लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो डे टू डे अफेयर्स में है, मतलब बिल्कुल जैसा ही कोई पत्र आ जाता है हमारे पास में और उस पत्र का रिप्लाई देते हैं वैसा ही है, बट बस उसी मैटर पे लिखते हैं जिस मैटर की रिक्वायरमेंट है. तो आपके पास में अगर कोई इन्विटेशन आ गया है, सपोज यू गॉट सम इन्विटेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू रिप्लाई, then you can reply in this way whether you want to accept or decline. तो आज मैंने वो acceptance वाला बना दिया है, पहले से ही बना के रखा है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. Just I want to give a glimpse of this, थोड़ी सी झलक दिखला देना चाहता हूँ, because अलग अलग matter पे हो सकता है ये. तो आपको एक idea रहेगा कि ये formal ये है और informal ये है. So जब भी ये exam में आए, you be careful that whether the examiner has asked you to write formal or informal. If you find formal, you go with that pattern, and if you find informal reply, then you go with this pattern. तो चलो देख लेते हैं. मैंने heading डाल रखी है informal reply to the invitation. कोई भी invitation है, किसी भी प्रकार का. If you want to reply, you can reply. Imagine you are Geeta. मैंने एक प्रश्न लिख के रखा है. Your friend Seema has invited you. आपके दोस्त सीमा ने आपको आमंत्रित किया है. किस लिए किया है? ऑन हर सन्स बर्थडे पार्टी, उसके पुत्र के जन्मदिन की पार्टी है, उसके खुद की नहीं है, उसके पुत्र की है. और डेट क्या दे दिया? ऑन 2nd July 2020 एट हर रेजिडेंस. जनरली शाम को होता है, टाइम नहीं दिया तो भी टाइम डाल सकते हैं, और नहीं भी है तो डजेंट मैटर. ओके, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन. एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि भाई इनफॉर्मल वे में आपको रिप्लाई देना है इस इन्विटेशन का. सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, आपका जो भी एड्रेस है रेजिडेंस का, आपका खुद का, वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिटी नेम लिखेंगे, जैसा लेटर लिखते हैं वही सारा लेआउट है. लेट्स सी. मैंने मान लो कि मान लिया है कि गीता शिवाजी नगर में रहती है, तो मैंने शिवाजी नगर का एड्रेस ले लिया. जालौर की है, जालौर ले लिया. ये पत्र कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा होगा, अजमेर जा रहा होगा, या हो सकता है जालौर ही जा रहा होगा, उसमें उसको पता ही कहाँ भेजना है. लेकिन क्या लिखना है वो ये है. सो शिवाजी नगर उसका एड्रेस हो गया, गीता का जालौर, डेट डाल दी आज की. और उसके फ्रेंड ने भेजा, योर फ्रेंड सीमा, मतलब सीमा ने भेजा है, तो उसी को लिखेंगे, चाहे उसके पुत्र का हो. तो क्या लिखना है? बहुत सिंपल सी लाइन ली है मैंने. इट्स सो सिंपल, इवन 5th class 6th class 7th class स्टूडेंट्स कैन राइट दिस. सो सिंपल, जस्ट फोकस. आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है तुम्हारे आमंत्रण पत्र को प्राप्त करके. टू अटेंड योर सन्स बर्थडे पार्टी, तुम्हारे जो पुत्र का जन्म दिवस है उसकी पार्टी के लिए. एट योर रेजिडेंस ऑन 2nd July, जो आपके निवास पर है. कब है? 2nd July. टाइम चाहो तो मैं अभी कोट कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है. इनफॉर्मल वे में इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली कम, आई विल श्योरली कम, आई विल सर्टनली कम. Whatever word you want to use, you can use here. So I will definitely come with my family members. मतलब पहले से और भी बता दिया है कि मैं आऊँगी तो आऊँगी, और साथ में मैं अपने परिवार को भी लेकर आऊँगी. तो उसकी व्यवस्था और अच्छी होगी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्था कर पाएगी कि भाई गीता आ रही है लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रही है. मतलब इतने सारे प्लेट्स और ज़्यादा करने पड़ेंगे. और लास्ट में आप चाहो तो ये लिख सकते हो, या ऊपर में भी कहीं थैंक यू से शुरुआत कर सकते हैं. ये अपने ऊपर है, मैंने कहा ना लेटर की तरह है. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. दिस इज़ वॉट वी हैव टू राइट इन ए वेरी जनरल वे, बहुत ही सामान्य भाषा में लिखना है.
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विनम्र जो आपने आमंत्रण दिया है, योर्स लविंग गीता। बस आपका काम हो गया, एंड इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन इट विल आल्सो फेच यू 4 मार्क्स। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन योर बुक्स, देर मे बी सो मेनी एग्जाम्पल्स, सो वो सारे एग्जाम्पल्स को आप करते रहें। होपफुली क्लासेस विल रिज्यूम नेक्स्ट मंथ, सो इन दैट वी कैन क्लैरिफाई द डाउट्स वॉट एवर यू हैव, बट डोंट लीव योर स्टडीज, कीप स्टडिंग वाई बिकॉज वैन द स्कूल एंड अकेडमीज री ओपन्स दैट टाइम वी विल हैव लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बी डन, वाई बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, कुछ स्लगीस हो गए हैं, स्लोथ मोमेंट हो गया है क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सो आई होप यू विल जस्ट थिंक एंड रीड वॉट एवर आई सेड। विद दैट आई एंड दिस क्लास, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल एंड आई टेल यू टू टेल अदर्स आल्सो एंड मोटिवेट अदर्स आल्सो टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।